नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। कुरार मेट्रो स्टेशन से प्रभावित 155 झोपड़ा धारकों को मिला न्याय। यह देखिए, कुरार मेट्रो स्टेशन के पास यह सेवानगर सर्विस रोड का जो एरिया आता है, मेट्रो स्टेशन से प्रभावित यहाँ पर 155 झोपड़े हो रहे थे, जिन्हें MMRDA और BMC बिना किसी नोटिस के ही तोड़कर उन्हें खाली कराना चाहती थी। लेकिन स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर, उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानीय नगर सेविका दक्षा पटेल के प्रयास के बाद MMRDA और स्थानीय लोगों में एक बैठक हुई, जिसके बाद MRDA और BMC अब इस बात पर सहमत हो गए हैं कि स्थानीय लोगों को पहले पुनर्वसन कराया जाएगा। देखिए, अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही गति से चालू किया। जब गिरगांव का मामला आया तो यही शिवसैनिक लोगों ने विरोध किया, और देवेंद्र फडणवीस जी ने अतुल जी उसका डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिनका 350 फुट का जगह था उनको 350 फुट दिया, जिनको 700 था उनको 700 फुट का जगह देकर काम किया। और अभी शिवसेना का गवर्नमेंट आने के बाद में गलत ढंग से लोगों को हैरान परेशान करने का जो काम इन्होंने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल होने नहीं देंगी। कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि 9 जुलाई तक कोई डिमोलिशन कोरोना के समय पर करना नहीं है। लेकिन आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप हमारे पास आइए, हम आपको स्पेशल परमिशन देंगे। इस प्रकार का स्टैंडिंग ऑर्डर का ये इंस्ट्रक्शन कोर्ट का है, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार से अन्याय करने के लिए आए हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद के नाते इतना ही कहूँगा कि हम सांसद के नाते मैं, अतुल भातखलकर जी, दक्षा पटेल और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर किसी भी प्रकार का अन्याय होने नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ में डेवलपमेंट में हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि मेट्रो इज आवर बेबी, मेट्रो रेल ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके लिए हम उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन लोगों के छाती पे पैर रखकर अगर कोई काम करेगा तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। कुरार मेट्रो स्टेशन के स्टेयरकेस, एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए 125 लोगों को बेघर करने का एक साजिश MMRDA ने शिवसेना के और मुख्यमंत्री ऑफिस के दबाव में आकर रची थी। उनको कोई भी कानून का प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं की, और 15 दिन के अंदर एनेक्शर 2 आने के पहले ही जबरदस्ती लोगों को चावी हाथ में थमाकर कुरला, गोरेगांव वेस्ट, 5वें फ्लोर पे, 4थे फ्लोर पे भेजने का प्रयास किया था। उसके खिलाफ़ मैं 4 दिन से यहाँ की स्थानिक हमारी नगर सेविका दक्षा पटेल जी के साथ MMRDA में मीटिंग की, फिर भी उन्होंने सुना नहीं। उसके विरोध में आज धरना आंदोलन उन्होंने हमने रखा था, तो आज MMRDA के ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इन्होंने हमको ये वचन दिया है कि हम कोई भी गड़बड़ में, जल्दबाजी में हम किसी का भी घर मकान तोड़ेंगे नहीं, और लोगों को विश्वास में लेकर लोगों के पसंदी के घर मिलने के बाद वो जाएंगे, वही काम करेंगे, इस प्रकार का वचन दिया है। इसके लिए आज का जो आंदोलन था वो हमने आज स्थगित किया। रामदास कदम जी के SRA में हमने घर दिलवाए, देवेंद्र जी ने स्पेशल ऑर्डर दिया, उनको गोवंडी नहीं भेजा। हमारी ये मांग है, मुख्यमंत्री और पालक मंत्री दोनों ये कहते हैं कि मराठी आदमी ने इधर ही रहना चाहिए, लोगों को इधर ही घर मिलना चाहिए। पालक मंत्री तो बोलते हैं माहौल के लोगों को मैं इधर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ के लोगों को इधर ही रहने दो, ये हमारी मांग, वो पूरी करे उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। मैंने रहवासियों सिंह को यही बोला है कि दादागिरी को डरने का कोई काम नहीं, लोगों के सम्मान में, लोगों के हित में, लोगों की रक्षा करने के लिए गोपाल शेट्टी जी
मैं स्वयं और यहाँ की स्थानीय नगर सेविका दक्षा पटेल और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये मैदान में है, हम 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं, यही विश्वास मैं लोगों को दिलाना चाहता हूँ। और आज का जो डिमोलिशन उन्होंने कैंसिल किया है, इसलिए ये साफ बात जाहिर होती है कि वो किसी से डरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं।